और उन्हीं पहाड़ियों के पीछे श्री केदारनाथ मंदिर है। मेरे पति जाके ऐसे प्यार ऐसे सपोर्ट बना रखना। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलीफ्लावर है और वो सारी सब्जियां ऑर्गेनिक है। और फिर से बारिश शुरू हो गई है और ये ग्रीन कलर के अभी पके नहीं है। ये एक पम्पकिन की एक बोतल गाट की। जब हिचकी आती है ना मैं उसके बाद बोलता हूँ कि तब बोल सकूं। अभी भी आई मेरे को इतनी भयंकर हिचकी। वो भाई इतना प्यार सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत तिवारी और आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये हमारा सुंदर सा गांव है त्रियोगी नारायण। सामने वाली पहाड़ियों पे बादल लगे हुए हैं। अगर वो बादल हट जाएंगे तो हमको बर्फ दिखना शुरू हो जाएगी। और उन्हीं पहाड़ियों के पीछे श्री केदारनाथ मंदिर है। वैसे तो आजकल गर्मियों का महीना है लेकिन मैंने ये जैकेट पहन रखी है क्योंकि यहाँ कभी गर्मी होती ही नहीं है। अब मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। हमारे वैसे तो दो घर है, एक दादी का घर है और एक हमारा घर है। जो हमारा घर नहीं है वो बहुत लंबा है। अभी अभी देखिए बारिश भी लगने लग गई है। जब बारिश लगना शुरू हो जाता है तो भयंकर ठंडा लगता है। मेरा बैट और बैडमिंटन बाहर पे है। मेरी कॉल भी उधर पड़ रखी। सिर्फ एक मिनट के लिए बारिश आई और वो बंद हो गई और हमारा आंगन गीला हो गया। हमारे घर के आगे एप्पल ट्री है और उसमें बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं। अभी इसमें एप्पल बहुत छोटे छोटे हैं। जब बड़े होंगे तब हम इनको निकाल देंगे। मेरी फूफी भी घर पे आ गई है और साथ दूध लेके भी आ गई है अपना भतीजा के लिए। मेरे भतीजा के ऐसे प्यार ऐसे सपोर्ट बना रखना। मनवाला प्यारा भतीजा है। थैंक यू। और यहाँ पे मम्मी और फूफू बात कर रहे हैं। तब से मम्मी मेरा व्लॉग बनाती। मम्मी चलो व्लॉग बनाते हैं। चलो बनाते हैं। चलो आजकल मेरा बच्चा बोला व्लॉग शूट करते हैं। अब मेरे को मन कर रहा है व्लॉग बनाने का। हमारे घर के आगे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और ये है लाइट पिंक कलर का और यहाँ पे पिंक कलर का और ये बहुत सुंदर रोज है और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर रोज है। इधर साइड है ये रेड कलर के और ये गुच्छे में लग रहे हैं। और फिर से बारिश शुरू हो गई है। चलो अंदर चलते हैं। बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है और इस बारिश में हम क्या करेंगे। चलो हम मम्मी का किचन गार्डन दिखाते हैं। वैसे तो मेरी मम्मी का किचन गार्डन बहुत बड़ा है लेकिन हम पॉली हाउस के अंदर जाएंगे और पॉली हाउस के अंदर हम बारिश से भी बच जाएंगे। तो पॉली हाउस के अंदर बारिश तो नहीं हो रही लेकिन बारिश की तेज आवाज आ रही। पॉली हाउस से बाहर देखने में बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने राजमा भी बोल रखी है और यहाँ पे डंडे भी लगा रखे हैं राजमा की बेल को सहारा देने के लिए। मम्मी ने पॉली हाउस के अंदर बहुत सारी सब्जियां उगा रखी है और वो सारी सब्जियां ऑर्गेनिक है। तो चलो आपको एक एक करके सारी सब्जियां दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये वाली क्यारी दिखाते हैं और इस क्यारी में छोटे छोटे मिर्ची के पौधे हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलीफ्लावर है। अब आपको दूसरी क्यारी दिखाते हैं। यह है छोटे छोटे बैंगन के पौधे और ये है टमाटर के पौधे। और बैंगन के पौधे में देखिए फ्लावर भी लगने लगे हैं। अब बैंगन जल्दी से आ जाएंगे। ये जो टमाटर के पौधे इसमें छोटे छोटे टमाटर लग चुके हैं और ये ग्रीन कलर के अभी पके नहीं है ये। अब आपको तीसरी क्यारी दिखाते हैं। इसमें ब्रोकली और कॉलीफ्लावर और यहाँ पे दो टाइप की बेल है, एक पम्पकिन की एक बोतल गाट की। मुझे ठंड के कारण हिचकी आने लग गई और मैं वीडियो ना बड़ी मुश्किल से शूट कर रहा हूँ। अभी मेरे को हिचकी आई, मैं बोल नहीं पा रहा ढंग से। और यहाँ पे छोटी सी खीरा की बेल है, इसमें खीरा भी लगने लग गए है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बीन्स के पौधे हैं और यहाँ पे देखो बीन्स उगने लग गई।
और यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी क्यारियाँ हैं उन क्यारियों पे बैंगन और मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। इन बेलों को सहारा देने के लिए यहाँ ऊपर पे जालियाँ लगा रखी है। अभी एक फनी सीन हो गया, मेरे को हिचकी आई और मैं बोलना शुरू कर गया, क्यों हिमला अभी भी आ रही है हिचकी मेरे को। जब हिचकी आती है ना मैं उसके बाद बोलता हूँ कि तब बोल सकूँ, अभी भी आई मेरे को इतनी भयंकर हिचकी और गले में ना भयंकर दर्द हो रहा। दोस्तों मेरी फूफू घर जाने लग गई है, बाय बाय भतीजा, मेरा लाडा भतीजा, कल मिलेंगे, ठीक है, बाय 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 फूफू बाय। इतना प्यार सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हमारा पॉली हाउस कैसे लगा? और मेरे को नहीं लग रहा है बारिश अभी रुकने वाली है, और मेरे को ना हिचकी पे हिचकी आती जा रही है। अब मैं इस वीडियो को एंड भी कर देता हूँ, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, बाय।